हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ठंडा होने लग गया है काफ़ी अब यहाँ। और ये है फ्राइडे का ब्लॉग। तो इसी साड़ी में आपको मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग भी मिला होगा। तो ये मैं दिन से स्टार्ट करने लगी इस ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, मैंने सोफे के कवर कल धो दिए थे तो मैंने लगाए नहीं थे, तो आज मैं ये कवर चेंज कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग यहाँ ठंड कितनी कितनी हो रही है। यहाँ तो होने लग गई है अब ठंड, और धूप नहीं आती सुबह, और कभी कभी आती है कभी नहीं आती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मैं ये कवर लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी दूध के लिए। तो अभी करीबन हो रहा होगा 3-3 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मुझे कपड़े वपड़े भी फोल्ड करने हैं, तो उसके बाद जाऊंगी मैं दूध लेने के लिए। ये रूम हमारा खाली रहता है और यहाँ ये पुराने वाले सोफे के कवर है जो वो लगा दिए मैंने अब, और वो जो दूसरे वाले थे वो मैंने धो रखे हैं अभी। ये टेबल का कवर जो है उसके साथ के थे जो, वो मैंने धो रखे हैं, और ये वाले लगा दिए मैंने जो पहले लग रखे थे। तो फ्रेंड्स, अब मैं सोफे के कवर लगाने वाला काम करके आ गई हूँ कमरे में, और ये मैंने जो सुबह कपड़े धोए थे सूख गए हैं, तो अब मैं इनकी तई मार लेती हूँ। और आजकल ना ठंडियों में एक प्रॉफिट होता है हम लोगों का, क्योंकि हमको ना प्रेस नहीं करनी पड़ती। मुझे प्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, मेरे से प्रेस करने में कपड़े जल जाते हैं पता नहीं क्यों। तो क्या बोलते हैं, आजकल ना वुलन कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो प्रेस करने की झंझट ही नहीं रहती। तो बस मैं इसी तरह से कपड़े लाती हूँ और अच्छे से तई मार के, और मतलब अपनी अपनी अलमारियों में सेट कर देती हूँ, जिसकी जो अलमारी है। और आपने मेरा वीडियो देखा होगा अगर दूसरे चैनल पे, तो एक मैंने कवर्ड क्लीनिंग का डाल रखा है कि मैं कैसे अपने कवर्ड को मैनेज करके रखती हूँ। तो मैं मतलब अपने सूट के लिए अलग, साड़ी के लिए अलग, और अपने हस्बैंड के कपड़ों के लिए अलग बना के रखती हूँ स्पेस। और मेरे बेटे के ज़्यादा कपड़े होते हैं तो उसके लिए मैंने अलग ही अलमारी रखी है। और बाकी जो हमारे ऐसा होता है ना, सर्दियों के कपड़े हम निकाल लेते हैं, फिर गर्मियों के कपड़े हम बेड में डाल लेते हैं, फिर बेड में से हम क्या करते हैं, गर्मियों के कपड़े निकाल लेंगे तो फिर सर्दियों के डाल देंगे। तो इस तरह से करके रखती हूँ मैं। तो अब दूध का टाइम हो गया तो मैं दूध लेने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दूध लेके आ गई हूँ अब। और चाय हमने आज पहले ही पी ली थी, मैंने दूध जाने से पहले ही चाय बना ली थी। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा सब्जी काट लेती हूँ, तो ये मैं सब्जी काट रही हूँ। मैंने सोचा आज तोरी बनाएंगे, और ये हमारे अपने ही गार्डन में लगी हुई तोरी थी, तो मैं तोरी बना रही हूँ। और यहाँ पे ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं बच्चे, देखना आप अभी आगे। और अच्छा भी लगता है इन लोगों के साथ ना, मैं भी खेलती हूँ फिर थोड़ा सा जो काम रहता है उसको निपटा के थोड़ी देर के लिए मैं भी खेल लेती हूँ। और बोलते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो बस उस बच्चे को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ ज़रूर खेलती हूँ, क्योंकि हमारा जो पुराना टाइम होता है वो भी याद आ जाता है, अच्छा भी लगता है हमको। तो थोड़ी सी मस्ती कर लेनी चाहिए, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप भी ज़रूर करिएगा उनके साथ मस्ती। तो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी है, जो कि कैमरे में अगर मैं लेती तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता। हमने ये बलून से जंकलिंग भी की है और बहुत 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 मस्ती की है। और ये देखो, मैंने बोला इनको एक्सरसाइज करो तो ये क्या कर रहे हैं देखो। और ये है ना जो खुशी, बहुत ही ज़्यादा फनी फनी वो करती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये लेट लेट के ऐसे खिसक रही है ऊपर, और एकदम फनी फनी से मुंह बना रही है, तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये दोनों एक्सरसाइज के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, और बहुत हंसी भी आती है इनको देख के, और बहुत डांट भी पड़ती है इनको। ये देखो बहुत ही ज्यादा मतलब क्यूट लग रही है ना इधर उधर जाते टाइम। और फिर वो उसे ना बलून से बहुत डर लगता है, ये खुशी को बलून से बहुत डर लगता है। अभी तो थोड़ा खेलने लग गई है बलून से, पहले बहुत डर लगता था इसको, अगर बलून फूटेगा ना तो वो फिर पास ही नहीं आएगी। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ लेती है, मैं जबरदस्ती पकड़ाती हूँ उसे, ताकि इसके अंदर से जो डर है ना वो चले जाए।
तो मैंने एक दो दिन इसके सामने बलून फोड़ा भी है कि इसके अंदर से जो डर है ना वो चला जाए, तो अभी नहीं डरती, थोड़ा कम डरती है अब। वो देखो कितने अच्छे अच्छे फनी फनी सीन करते हैं, मेरा तो इनके साथ बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाता है। अगर मैं फ्री होती हूँ तो बस मैं दोनों बच्चों को सामने बिठा देती हूँ और बस उनकी एक्टिविटी देख के हम अपना सारा कुछ भूल जाते हैं फिर। तो इस तरह से बच्चों के साथ ना क्या बोलते हैं, कितना भी बड़ा दुख या दर्द हो ना तो कम हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, और मुझे भी ऐसा फील होता है। तो देखिए ये सब कैसे खेल रहे हैं, और इनके साथ ना हम भी हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, और अभी मैं ना किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, क्लास हो गई है ख़त्म मेरे बेटे की, और बेड देखो कैसे कर रखा है। तो अभी मैं बेड शीट चेंज कर रही हूँ, मतलब कि अब हम गरम बेड शीट बिछाते हैं, मतलब ठंडियों के लिए अलग ही चद्दर रहती है ना गरम वाली, पता ना किस किस के यहाँ रहती है ऐसे, हमारे यहाँ रहती है, हम गर्मियों के लिए अलग चद्दर लेते हैं और मतलब ठंडियों के लिए अलग चद्दर रखते हैं। तो ठंडियों में ये वुलन वाली चद्दर बिछाते हैं गरम वाली, और गर्मियों के लिए जो कॉटन वाली होती है वो बिछती है। तो ये मैंने गरम वाली चद्दर बिछा दी, और इसके साथ ना पिल्लो कवर नहीं थे, ये खाली चद्दर थी, तो इसके साथ मैं पुराने वाले कोई पिल्लो कवर लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको बिछा दूंगी, और अभी 2 ही मिनट में बच्चे इसको खराब भी कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ बेड शीट है, अच्छी लगती है। और देखिए मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने कपड़े धोए हैं, किचन साफ किया है और रूम की क्लीनिंग करी है। और अभी हो गया है फिर खाना बनाने का टाइम, यानी कि लंच बनाने का टाइम। तो मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल, तो ये कल मैंने मट्ठा किया था, तो हमारे से इससे छाछ बोलते हैं, और इसमें मैंने बेसन डाली थी 1 चम्मच, और इसको एक बार फिर से मिक्सी में घुमा दिया था। तो अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, और इसमें लाल मिर्ची डालूंगी, और धनिया पाउडर डालूंगी इसमें, और बस यही 3 मसाले इसमें मैं डालूंगी, और बस। तो ये देखिए अब इसको रख देते हैं साइड, और ये मैंने पकौड़ियाँ भी बना दी है, ऐसे चौड़ी वाली बनाई है इस बार। और मैं इसमें तड़का लगाऊंगी मेथी और जीरे का, और लाल मिर्ची मैंने डाल दी है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक मैंने कूट के रखा था, और एक छोटा सा प्याज, और हम 2 ही आदमी हैं तो 2 आदमियों के लिए एक छोटा सा प्याज काटा है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मट्ठा छाछ जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, तो जितना हमने ये मट्ठा ले रखा है उसी के बराबर या उसके आधे आप पानी ले सकते हैं। तो हम 2 ही आदमी हैं तो मैं जितना मैंने मट्ठा लिया है उसी के आधे मैं पानी ले लूँगी, और फिर इसको हम मीडियम आँच पे खौलाएंगे। तो मैं इसमें गरम पानी डालूंगी, तो देखिए मैंने पानी गरम करने रखा है दूसरे साइड, और इधर मैं ना चावल धो के मैंने चावल रख दिए हैं। तो ये हमारी कढ़ी और चावल बनके रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी कढ़ी चावल की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आप लोग बताना। और अभी फिर मैंने उसके बाद काम वाम करा, तो मैंने सूट नहीं करा था, फिर ये शाम हो गई तो मैं दूध लेके आ गई हूँ, और मैंने ना क्या बोलते हैं चाय भी पी रहे हम साथ में। और आज मैंने सोचा गाजर का हलवा बनाएंगे, तो मैंने सोचा चाय पीते पीते मैं गाजर भी घिस लूँगी, तो मैं चाय भी पीते जा रही हूँ और गाजर को कद्दूकस भी करते जा रही हूँ। तो इस तरह से काम फटाफट हो जाता है, मैं इसी तरह से करती हूँ, कभी सब्जी लेके बैठ जाती हूँ चाय पीते पीते। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि हर हाउस वाइफ ऐसा करती होगी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मतलब अगर मैं बैठती भी हूँ तो मैं कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाती हूँ कि हाँ ये भी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे गाजर भी अच्छे से मैंने कर लिए हैं, और बस अब हलवा बनाना है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको गाजर का हलवा एकदम सिंपल स्टाइल में 5 मिनट में बनने वाला गाजर का हलवा बताऊंगी, वो भी बिना खोया का, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये मैंने गाजर कस लिए हैं, तो इसके लिए मैंने गाजर ले रखे हैं और दूध ले रखा है, और
काजू और बादाम ले रखे हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने घी ले रखा है और ये घी हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और अब हम इसमें सारा गाजर डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखा है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये, और इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि घी सारे गाजर में हमारा लग जाए। और अब हमें आँच को मीडियम करके इसको 1 सीटी लानी है। तो मैंने इसमें पानी दूध कुछ नहीं डाला अभी। तो ये देखिए 1 सीटी जब आ गई थी तो ठंडा होने के बाद ये खोला मैंने, तो देखिए आप बहुत अच्छे से गाजर गल गए हैं। तो अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी, ड्राई फ्रूट 2-2 टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिए हैं, और चीनी डाल लूँगी मैं, कटोरी से डाल रही हूँ 2 कटोरी। तो आप अगर चम्मच से डालो तो 4 बड़े चम्मच। मैंने इसमें चीनी डाल दी है और अच्छे से चला दिया है। अब 5 मिनट इसे हम मीडियम आँच में खुले में पकाएंगे बिना ढक्कन लगाए। और ये देखिए आपका गाजर का हलवा एकदम परफेक्ट बनके रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोगों ने इस तरह से कभी बनाया नहीं है तो बना के ज़रूर देखिएगा कुकर में। तो फ्रेंड्स ये है हमारा गाजर का हलवा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।